चलें जी, घर तकरीबन हम लोग पहुंच गए हैं, तकरीबन 2 एकड़ की दूरी पे हैं। तो आप जाते हैं और वहां जाके मैं वीडियोस तो नहीं बना सकता, लेकिन हम लोग घर इंशाल्लाह पहुंच गए हैं। अच्छा जी, वापस घर हम लोग अब वहां से होके आ गए हैं। थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं, सफ़र बहुत ज़्यादा था, रास्ता गंदा ना, सफ़र तो खैर इतना नहीं है। चलो आ जाओ, चाय पानी पीते हूँ। तो गोभी ब्रीक कर ले। हाँ जी, ब्रीक कर ली गोभी। फिर परौंठे सोने बन देना, पराठे पराठे फिर बड़े प्यारे बन गए। अम्मी जी, अगर गोभी बड़ी बड़ी इस तरह पालो फिर नहीं पकती? नहीं मतलब वो फिर फट जाती होनी ना रोटी, गोभी बाहर निकल आनी। अच्छा, अम्मी ये तो नहीं मेरे ख्याल पाई तुसी गोभी। अच्छा, बच्चे तो इन्ने इतने आके खुश आ। भाभी आसिया, तुसी मेरे ख्याल वैसे मामू नालों खूबियां का ज्यादा किया है ना? पता कि थोड़े उत्थे जिन्ने भी है ना, मतलब मामू जी उन्होंने बच्चे वगैरह सारे ने फूफिया का ज्यादा किया, क्योंकि फूफिया ने प्यार बड़ा किया ना, ते बच्चे होंगे प्यार दे। लेकिन साडा मामी फूफुआ च भी बहुत आ, लेकिन उन्होंने नस्बत क्योंकि फिर इतने सारे कट्ठे से आते जाते तो फिर इस करके जड़ा है ना। रविया तुसी, मैं कहना अम्मी की उम्र से भी आके इतना नहीं बनना। रविया एक नौकर कट दें, आंडा बना दें। बाज़ुकात ना बच्चे तुसी भी साथ ही लेना, ये फिर असी अपने लिए खाएंगे, असी तो फिर मजे ना खावांगे कि चलो पर मेहमान होने तो इदा दे हैं भी असी जिहड़े घर वाले कहण भी तुसी खा लो इदा दे मेहमान तो रोज रोज आ। मोइज ये कहने पोठा खाना साडा पराठा। मेरी भी तो अम्मी है, अशी खाने पराठे खाने हैं। गोभी वाले या सादा?
गोभी वाले नहीं, अच्छा तुसी भी पकाए सी। मुंडा बई आके एक एक गल दसदा, मुंडा कहंदा भी आ सी काम कीता ते आ सी गल कीती। वाह वाह वाह, शहजादा मुंडा साडा। मोहित की लेना? तू की करना आटा? हां जी अमी दबो। हां जी चलो जी, ले लिया दादी को आटा। चलो पकाओ रोटी, पाओ हाँ रोटी। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੂ ਵੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਪੱਕ ਗਈ ਰੋਟੀ। ਪਕਾ ਤੇ ਸਹੀ ਆ ਜੇ ਵੱਡੀ ਘਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਅਦਨ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਦਨ ਬਣਾਓ ਰੋਟੀ। ਅਦਨ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਥੇਰੇ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਆ, ਜੇ ਠੰਡੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇਖ ਕੀ ਪੈਣਾ। ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੇ। चलो दवाई ले लो, कि इदा नहीं होना आराम आना बैठे कर। अदन दिखाओ तो, अदन ने भाई देखें कितनी गोल मटोल रोटी बनाई है भाई। समेरा एक्सपर्ट है अदन, ये बहुत कुछ बनाऊंगा। मैं कहा ना आटा लेके ना, आ दे मोहित भाई आपी ने रोटी भाई, अच्छी रोटी भाई दी है, जाओ तवी दे पायो। कार मैं आटा लेके ना इधर रोटी का दिल 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 वाली रोटी बना दी है, डब्बे वाली रोटी बना दी है, सारी रोटी को बना दी है ना। मैं कोली नेड़े करो ना। अबू जी ना, अबू जी पता नहीं क्या कर रहे हैं। अबू जी घर के सामने ना कल वो छतों की लपाई की है, तो इस वजह से अबू जी जो घर के सामने गंद वगैरह पड़ा था ना वो साफ कर रहे हैं। भाई नसरूला ने चीनी तो नहीं लानी हूँ। रोटी मक्खन ना चोपड़ी ज्यादा मजेद लगती। जिवें चाचू जी आए थे ना, वह कहते मैं 30 साल बाद मैं मक्खन मिले वा, उन्हें साल नहीं खाधी, उन्होंने मक्खन ना खाधी सी। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਲਾਣਾ ਲਾਣਾ।
अक्सर यार देखिया भी कोई भी बंदा हूं मैं अक्सर कभी कभी चाप कर बना मैं को अपनी चाय नहीं पीती नहीं बना ही मैं कहना ना भी कोई और बना दे जब बंदा खुद कुकिंग वगैरह कर दे ना कुछ भी कर दे उन्हें फिर घट ही पसंद आती है भाई नसरुल्ला अज तो बहुत ही लाइट जहा नाश्ता किया नहीं तो अगे तो दो तीन रोटियां का होंगे अज एक रोटी का अच्छा भाई अज ए मतलब कि जाना है जाना भाई बस भी ना आ रहे मुझे लगता थोड़ा कितने प्रोग्राम बने अच्छा वाह सारे कुछ लेके आयो फिर दुआवां तुसी दे देनियां नहीं अम्मी जी आ देखो ना आप चले साड़ी सुला भी नहीं मारी इन्होंने चलो जी जाओ जी जाओ असि हंसी मजाक करने से बल्कि कोई चीज मेरे वास्ते लाजमी ले आयो जेब च पा के नहीं बिस्किट नहीं मैं खाना उन्होंने शौक बिस्किट इन्ने पैसे कर मैं कभी नहीं खाते मैं नहीं पसंद की देखते मैं सवेरा मतलब थोड़ा जिना फूल वगैरा फिर पट्टियां वगैरा भी लगिया मैं रगड़ाई वाले डेली फोन कर दा वा टाइम भी नहीं दे रहे हजे तो चलें जी आज की वीडियो को फिर यहीं पे एंड करेंगे कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़।